नमस्ते बच्चों, आज हम हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक का संचयन भाग एक में से पाठ है जिसे आज हम देखने जा रहे हैं। दिए जल उठे इस पाठ के लेखक है मधुकर उपाध्याय। यह पाठ हमारे इतिहास से ही संबंधित है क्योंकि हम यहाँ पर आज इतिहास से संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा गांधी जी इनकी दांडी यात्रा के बारे में यहाँ पर जानकारी लेने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ में लेखक जो है उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो स्मरणिका है उसी में से यहाँ पर महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा पर आधारित एक भाग यहाँ पर धुंधला सा या प्रस्तुत किया गया है। 1930 के दिन घटित घटनाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है जिसमें रास नामक स्थान पर वल्लभ भाई पटेल जी की गिरफ्तारी तथा गांधी जी की दांडी यात्रा का सजीव चित्रण इस पाठ में किया हुआ है। घने अंधेरी रात में गांधी जी को नाव से महीसागर नदी पार कराने के लिए लोगों ने क्या किया, इसका अद्भुत वर्णन पाठक को हतप्रभ कर देता है। वास्तव में पाठ का यह अंश अपनी जीवितता और रस से पाठक के हृदय को भर देता है। यहाँ पर बच्चों, इस पाठ में महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है कि किस तरह से दांडी यात्रा उन्होंने की, वहाँ पर कौन कौन शामिल हुए, दांडी यात्रा करते समय किस प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में आ गई, उस यात्रा के समय में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करते हुए गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाकी के जो अन्य सत्याग्रही थे उन्होंने किस तरह से इस दांडी यात्रा पूरा किया, इसके बारे में यहाँ पर इस पाठ में मुख्य बिंदुओं को केंद्रित किया गया है। इस पाठ को आप जब पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा पूरा डिटेल में। हम यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदुओं के जरिए यहाँ पर इस पाठ की जानकारी हासिल करने जा रहे हैं जिसमें से दांडी यात्रा की तैयारी किस तरह से की गई थी, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे तथा सरदार पटेल और गांधी जी की मुलाकात कैसी हुई, गांधी जी द्वारा मही नदी को पार कैसे किया गया, ये मही नदी, ये दांडी यात्रा। बच्चों, इतिहास तो आपने पढ़ा है और आपको पता ही है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी, फिर भी मैं आपको एकदम शॉर्ट में, संक्षिप्त में इसे बताना चाहती हूँ। दांडी यात्रा करने का उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश सरकार ने लोगों के ऊपर बहुत बड़े बड़े कानून लगाए गए थे और उसी पर आधारित था कि जो मुख्य है यानी जो नमक था मनुष्य के जीवन का बहुत बड़ा महत्व का एक भाग है, एक क्षार है जो था नमक, इसी के ऊपर भी उन्होंने कर लागू किया गया था यानी टैक्स लगवाया गया था। और उसी से भड़क कर गांधी जी ने कहा कि आम आदमी को अगर ये नमक के ऊपर भी अगर टैक्स भरना पड़ेगा, कर भरना पड़ेगा, तो फिर इस देश की जनता की तो हालत बहुत बुरी हो जाएगी। और इसीलिए उन्होंने नमक सत्याग्रह करने का तय कर दिया और वो जो है वो गुजरात में उन्होंने रास इस जगह पर इस नमक का सत्याग्रह करने का स्थान घोषित किया गया था। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो गुजरात के ही हैं, मुख्य हैं, और उन्होंने गुजरात में अपने इस यादांडी यात्रा का प्रयोजन एकदम अच्छी तरह से करने के लिए वो 7 मार्च को रास में पहुंच गए। उन्होंने अच्छी तरह से तैयारी की और सरदार वल्लभ भाई पटेल को गुजरात में यानी रास में कुछ भाषण देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निषेध किया गया था, उनके नाम से कानून उन्होंने लगवा गया था। और इसी तरह से जब सरदार वल्लभ भाई पटेल रास आए और वहाँ पर उन्होंने लोगों के खातिर उन्होंने बहुत फोर्स किया, ज़बरदस्ती की और उन्होंने 2 शब्द भाषण करने के लिए शुरुआत की और उसी समय उन्हें मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार कर दिया और उनके ऊपर मुकदमा शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर उन्हें 3 साल की सज़ा और 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ा, उनकी गिरफ्तारी हो गई।
कारण क्या था? तो उन्होंने जो निषेध था उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, उन्होंने भाषण करने के लिए वो तैयार हो गए जिसके ऊपर उन्हें पाबंदी लगाई गई थी। तो इस तरह से दांडी यात्रा शुरू होने से पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गिरफ्तार कर दिया गया। यह बात जब वहाँ के सारे लोगों को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए, गांधी जी भी बहुत गुस्सा हो गया और उन्होंने ऐसे लगा कि जो हमारा मुख्य है, जो रास में इस यात्रा को हमें मदद करने वाले थे, वही नेता अगर पकड़े गए हैं तो आगे किस तरह से होगा। इसीलिए उन्होंने अपनी जो दांडी यात्रा की जो योजना थी उसे थोड़ा सा उसमें बदलाव कर दिया और उन्होंने कहा कि हम वहीं से शुरुआत करेंगे इस दांडी यात्रा की जहाँ पर ब्रिटिश सरकार का हुकूमत ज़्यादा तौर पर चल रही है, और वहीं से उन्होंने शुरुआत करने के लिए काम करने के लिए दांडी यात्रा के लिए शुरुआत की। यहाँ पर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जिस जेल में बंद किया गया था वो जेल का जाने वाला रास्ता साबरमती आश्रम से ही गुजरता था। उसी समय जब उन्हें वहाँ पर ले जा रहे थे जेल में, तब गांधी जी उनसे मिलने के लिए साबरमती आश्रम के बाहर आए और वहाँ पर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की पटेल जी वहाँ पर आए तो उनके जो ये था उनका जिस तरह से लोगों के ऊपर भी रोब था उसी तरह से अंग्रेज सरकार के विरुद्ध सरकार के ऊपर भी उनका थोड़ा सा रोब था, और उसी रोब के कारण उन्हें वहाँ पर उनकी गाड़ी रुकवाई गई और वहाँ पर गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी मुलाकात हुई और उसी मुलाकात में उनकी थोड़ी सी चर्चा हो गई। और उसी समय गाड़ी में बैठते समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने गांधी जी से कहा कि अब हम चल रहे हैं, अब ये सब यात्रा का पूरी जिम्मेदारी आपको उठानी है। तो इस तरह से दांडी यात्रा करने के लिए गांधी जी भी बड़े जम से तैयार हो गए। लोगों के मन में तो ब्रिटिशों के विरुद्ध पहले से ही बहुत क्रोध था और ऊपर से सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी गिरफ्तार करने से लोगों में और भी क्रोध बढ़ गया था ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में। और इस तरह से यहाँ पर पूरी तैयारी हुई, रास किस तरह से पहुँचना है और वहाँ जाकर किस तरह से निषेध करना है। यहाँ पर देखते समय हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर मदन मोहन मालवीय जैसे जो है जीना है, ये सब नेताएं वहाँ पर गांधी जी के साथ ये दांडी यात्रा के लिए थे। जब लोगों को पता चला कि अगर रास जाकर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उनकी जगह पर इस यात्रा का नेतृत्व कौन करेगा, तो उस नेतृत्व के लिए भी पूरा प्लानिंग यानी नियोजन वहाँ पर गांधी जी ने तैयार किया गया था। और यहाँ पर यह तय किया था कि अगर रास पहुँचने के बाद जब गांधी जी को अगर ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया किसी कारणवश, जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया उसी तरह से अगर गांधी जी को भी अगर गिरफ्तार किया गया तो इस दांडी यात्रा का नेतृत्व कौन करेगा, तो उसके लिए उन्होंने अब्बास तैयब जी का नाम घोषित कर दिया और वही नेतृत्व कर आगे अपना दांडी यात्रा पूरी करने वाले थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो दांडी यात्रा जो हो रही थी रास में 3000 लोगों की संख्या थी लेकिन 20000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर शामिल हो गए थे। उस गांव में बड़ी मात्रा में लोग जमा थे, सब तरह की तैयारी हो चुकी थी। और यहाँ पर खास बात यह थी कि गांधी जी की यह यात्रा यानी पूरी करने के लिए सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि मही नदी को पार करना। मही नदी को पार करना, आपको पता है मही नदी का जो पात्र है वो बहुत ही बड़ा है और उसमें आधा भाग जो है वो दलदल से भरा हुआ है, और उसी दलदल से पैदल चलते हुए गांधी जी को बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। इसीलिए उस समय कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दे दिया गांधी जी को कि आप इतने बूढ़े हो चुके हैं और आपको इस तरह की इतनी बड़ी लंबी यात्रा आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पहले भी इस यात्रा को शुरू करने से पहले गांधी जी को यही सलाह दी गई थी कार्यकर्ताओं के द्वारा कि आप किसी साधन का उपयोग करें और इस रास तक आप पहुंचकर हम यहाँ पर दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा कर सकते हैं, हम अपना जो आंदोलन है वो वहीं पर सत्याग्रह कर सकते हैं। लेकिन गांधी जी ने उसके लिए मनाही कर दी।
वो इसलिए क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि ये मेरी धर्म यात्रा है, मैं उसे पैदल चलकर ही पूरा करूँगा। यानी उनका यही कहना था कि जब एक नेता ही जो नेतृत्व कर रहा है जिस बात का, जिसके लिए उस नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने ही अगर इस तरह से अपने काम में खुद भाग नहीं लिया, खुद लोगों के साथ नहीं चला, तो लोगों की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं उनके जो सुख दुख है वो भी नहीं पता चलेंगे, क्योंकि वो उस साधन से डायरेक्ट सीधी तरह से उस जगह पर पहुंच सकते हैं, लेकिन उस जगह तक पहुंचने का बीच का जो रास्ता है, फासला है, उसमें आने वाली अनेक प्रकार की छोटी मोटी समस्याएं हैं, सुख है, दुख है लोगों के, वो सुख दुखों को और समस्याओं को जानना बहुत ज़रूरी था। और इसीलिए गांधी जी ने किसी साधन का उपयोग टाल दिया और कहा कि मैं पैदल ही चलूँगा। जब बारी आ जाती है मही नदी को पार करने की, इस दलदल से बचने के लिए गांधी जी को यही सलाह दी गई थी कि अगर आपको नाव में से उतरकर कुछ मैन आपको जो नौकायन कर रहा है उसके कंधे पर, मछुआरों के कंधे पर बैठकर आपको नदी पार करनी पड़ेगी कुछ दलदल से बचने के लिए। गांधी जी ने कहा तो बिल्कुल नहीं, मैं इस तरह से कोई करने किसी के कंधे पर या किसी का सहारा लेकर मैं जाने वाला नहीं हूँ। इसीलिए उनके ये मना करने के बाद मही नदी को कैसे पार किया जाए, इस तरह से आधी रात का समय मही नदी को पार करने का तय किया गया। क्योंकि जब आधी रात में नदी में पानी भर आएगा और कीचड़ का जो भाग है, दलदल का भाग है, वो बहुत कम मात्रा में चलकर किनारे पर गांधी जी पहुँच सकते हैं, इसलिए रात के आधी रात को यह समय तय किया गया। अब ये नाव कैसे तैयार हो जाएगी? जब गांधी जी ने अपने ये दांडी यात्रा का जो पूरा प्रोग्राम था, उससे कार्यक्रम का पूरा नियोजन उन्होंने सरकार को भी सौंपा दिया था, और सरकार को पता था, भरोसा था गांधी जी के ऊपर, ब्रिटिश सरकार को, कि गांधी जी ने जिस तरह से ये कार्यक्रम हमें दे दिया है उसी तरह से वो चलेंगे, क्योंकि वो जो कर बोलते हैं वही वो करते हैं, उससे पहले कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए उन्हें ऐसे लगा कि कहीं जो बीच बीच में दांडी यात्रा के बीच बीच में आने वाले जो मिठाग्रह थे, उन मिठाग्रह को सरकार ने नष्ट कर दिया, वहाँ से हटाकर वो पूरी तरह से नष्ट कर दिए। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं जाकर गांधी जी वो बीच में ही नमक को तैयार कर वहीं पर सत्याग्रह करेंगे और ये सब यात्रा जो है वहीं पर समाप्त हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने बीच में आने वाले जो मिठाग्रह थे वो सब हटा दिए गए थे। और इस तरह से मही नदी को कैसे पार कर सकते हैं, ये भी उन्हें ये था कि समस्या ही है। लेकिन ऐसे ही समय पर रघुनाथ काका नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी एक नई नाव खरीदी कर दी और गांधी जी और उनके जो साथी थे उन्हें उस मही नदी को पार करके उस दांडी यात्रा तक, रास तक पहुँचाने का पूरी तरह से जिम्मेदारी उठा ली थी। इस रघुनाथ काका जो थे, उन्होंने इस तरह से रात के समय में, आधी रात में भरे हुए पूरे नदी में पानी चढ़ गया था, और ऐसे समय में उन्होंने गांधी जी को नदी पार करने के लिए अपने आप को जोखिम में डाल दिया था, लेकिन वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहे थे, और यही एक अपना एक सत्याग्रह के लिए अपनी तरफ से एक हिस्सा और थोड़ा बहुत अपना भी एक वहाँ पर उनका सपोर्ट वहाँ पर उन्होंने दिखाया था। और इसी उनके साहस के लिए रघुनाथ काका को निषाद राज कहा गया है, नाम से वो जाने गए। बच्चों, यहाँ पर रात के समय में जब छोटे छोटे से दिए लग गए थे, लेकिन नदी के किनारे को पाना और नदी में नाव चलाना बहुत ही दिक्कत का काम था, बहुत ही कठिन था। और ऐसे समय में वहाँ पर जो 20,000 लोग जमा थे, उन वहाँ पर मही नदी के दोनों किनारे पर इतनी भीड़ जमी हुई थी, और लोगों ने तय किया था कि गांधी जी को रात के समय में ये नदी पार करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आने पाए, इसलिए वहाँ पर जो भीड़ जमी थी उन सब ने अपने अपने हाथों में दिए लेकर वो खड़े थे। और
कुछ क्षणों में ही, कुछ मिनटों में ही वहाँ पर जो घना अंधेरा था वो एक उजाले में बदल गया, क्योंकि इतने हजारों दिए नदी के दोनों किनारे पर लग गए थे, मानो वहाँ पर कोई जलसा हो रहा है या कोई मेला लगा हुआ है। इतना वहाँ पर दिए जले हुए थे और ऊपर से गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए और उनके नेताएं थे जो सत्याग्रही थे उनको भी प्रोत्साहन देने के लिए नदी के दोनों तरफ से घोषणाएं दी जा रही थी। और इस तरह से ऐसे लगता था कि मानो एक तरफ से घोषणा देने के बाद दूसरी तरफ से उसकी प्रतिध्वनि सुनाई दे रही हो, इस तरह से वो घोषणाएं दोनों तरफ से एक साथ हो रही थी। और जो अंधेरा था वो अंधेरा उन पूरे हजारों दियों के जलने के कारण वो अंधेरा उजाले में बदल गया और बहुत आसानी से गांधी जी मही नदी को पार कर किनारे पर लग गए। तो इस तरह से इस पाठ में बच्चों यहाँ पर ये जो प्रसंग दिया गया है, ये जब आप इस पाठ को पढ़ोगे तब आपको इस तरह से बहुत अच्छी तरह से पढ़ते पढ़ते आपके सामने वो चित्र अपने आप चित्रित होता रहेगा, क्योंकि लेखक मधुकर उपाध्याय जी ने ऐसे ही शब्दों में उसका वर्णन इस अच्छी तरह से किया हुआ है कि पाठक जब उस पाठ को पढ़ेगा तब उसके सामने वो चित्र अपने आप उसके आंखों के सामने उसे तैयार होता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत ही अच्छा ये पाठ है कि दांडी यात्रा का एक छोटा सा भाग यहाँ पर उन्होंने दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से महात्मा गांधी जी ने ये दांडी यात्रा करने के लिए उन्होंने कौन कौन लोगों ने किस तरह से अपना अपना सहभाग वहाँ पर दिया था, अपना सहयोग वहाँ पर दिया है, और ये मही नदी को पार करना कितना कठिन था, लेकिन फिर भी रघुनाथ काका जैसे एक व्यक्ति ने अपनी पूरी जिम्मेदारी उठाकर अपने जान को जोखिम में डालकर किस तरह से इस मही नदी को पूरा पानी चढ़ गया था, फिर भी रात के अंधेरे में उसे पार करना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन किस तरह से बाकी के लोगों ने भी यहाँ पर अपना सहयोग देकर गांधी जी को किस तरह से प्रोत्साहित किया। आखिर ये जो लड़ाई थी वो गांधी जी की अकेले की नहीं थी बल्कि पूरे भारतवासियों की थी, और क्योंकि उनके ही लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही थी तो किस तरह से बाकी के लोगों ने भी उन्हें सहयोग दिया और इसी के कारण ये दांडी यात्रा किस तरह से पूरी तरह से सक्सेस हुई, कामयाब हो गई, यही यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। बच्चों, इस नदी को पार करने के लिए जो यहाँ पर हमें ये पूरा पाठ पढ़ने के बाद देश के प्रति लोगों की जो निस्वार्थी प्रेम है, इस प्रेम की भावना को हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि लोगों को भी आखिर इस ब्रिटिश सरकार के हुकूमत से बाहर निकलना था, आज़ादी चाहिए थी, और यही कहीं एक प्रतिमा उनके मन में उफल रही थी और उसी उफलती हुई प्रेरणा से उन्होंने इस तरह से रात को भी दिन के उजाले में बदलकर मही नदी को पार करने के लिए गांधी जी तथा उनके अन्य सत्याग्रहियों को इस तरह से जो मदद की है, इस मदद से ही हमें देश प्रेम को की भावना को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और दूसरी बात यह भी है बच्चों कि किस तरह से एकता में ताकत होती है, ये भी बात हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है कि अगर हम एक दूसरे को इस तरह से सपोर्ट करेंगे, सहायता करेंगे, सहयोग देंगे तो कोई भी काम बहुत ही आसानता से हम कर सकते हैं। तो इस बात को हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। और दिए जल उठे इस पाठ का जो शीर्षक है वो यहीं पर हमें समझ में आ जाता है कि क्यों यहाँ पर मधुकर उपाध्याय जी ने दिए जल उठे यह शीर्षक यहाँ पर देने का उद्देश्य यही है कि खास करके मुख्य बिंदु यहाँ पर था कि गांधी जी द्वारा मही नदी को पार करना, क्योंकि ये मही नदी ही सबसे बड़ी ये पात्र है नदी का जिसे पार करना बहुत कठिन था, और जो दिन वहाँ पर आया था पार करने के लिए दांडी यात्रा का, वो मही नदी को पार
किए बिना वो पूरा नहीं हो सकता था। तो इस तरह से इस पाठ में हमें गांधी जी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी जो दोस्ती है और उनके सहयोग से ही किस तरह से दांडी यात्रा गांधी जी की पूरी हो गई और इस बात का हमें यहाँ पर पता चलता है। तो बच्चों यहीं पर हमारे ये जो पाठ है दिए जल उठे, इस दिए जल उठे पाठ में से हजारों दिए जलने के कारण चारों दोनों नदी के दोनों किनारे पर इस तरह से दिए जलने के कारण यहाँ पर इस पाठ को दिए जल उठे, यानी हर एक के मन में वो तो दिए थे ही, हाथ में तो दिए थे लेकिन मन में ही एक आज़ादी का दिया उठ गया था और इसीलिए तो सब एक जग एक साथ वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उन्होंने इस तरह से इस दांडी यात्रा को अपना सहयोग दिया, अपने अपने तरफ से जो एक सहायता थी वो सपोर्ट उन्होंने गांधी जी को किया था। तो इस तरह से हमारा ये छोटा सा जो लेसन पाठ है दिए जल उठे वो यहीं पर समाप्त होता है। उसे आप अच्छी तरह से पढ़िए तब आपको इस दांडी यात्रा का जो तैयारी है किस तरह से दिए जल उठे थे इस बात का अच्छी तरह से पता आपको चलेगा। वो घोषणाएं उन लोगों ने कैसे दी थी, किस तरह की घोषणाएं वहाँ पर दी गई थी, इन सब के बारे में आपको वहाँ पर अध्ययन पाठ को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। तो बच्चों यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।